हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी इंग्लिश कैडर विश्वजीत सर, और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 100 मार्क्स इंग्लिश के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे लाइन बाई लाइन एक्सप्रेशन के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बार की एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके अलावा मैं बता दूँ कि इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नए नहीं आएंगे। बस इतनी तैयारी कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम परफेक्ट जाएंगे। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं और लाइन बाई लाइन ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं, वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डॉट डॉट डॉट। ये जो तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डॉट डॉट। तो यह चैप्टर जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपके राइट राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी, गांधी जी। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी गांधी बॉर्न, यहाँ पर बॉर्न का स्पेलिंग लिखा मिस्टेक से लिखा है दोस्तों, क्या कीजिएगा, बॉर्न इन डॉट 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 एंड डाइड इन डॉट डॉट। तो इनकी जन्म आप लोग जानते हो, ऑप्शन ए इज राइट। महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलर नॉन एज जस्टिस। और महात्मा गांधी जो है किस रूप में वो फेमस हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो पिताजी तो नहीं, चाचा जी भी नहीं, अंकल नहीं, बापू और फादर ऑफ नेशन, इस रूप में वो काफ़ी इस पूरे इंडिया में, इंडिया के अलावा बाहर भी फेमस हैं। अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है, आत्मकथा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग क्लियर करना चाहूँगा, ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है जो खुद अपने बारे में लिखता हो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जब मैं किसी और के बारे में लिखूंगा तो उसे बायोग्राफी कहेंगे। तो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी जो था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन से पूछ सकता है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, महात्मा गांधी यूज डॉट डॉट एंड डॉट एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के खिलाफ किस हथियार का, किस वेपन्स का उपयोग किया था, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ऑप्शन इज राइट, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत और अहिंसा को उन्होंने मुख्य रूप से हथियार बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बगावत संघ शुरू की। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी वर्क करियर डैट ही वॉज अ डैट डॉट डॉट डॉट। महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाए, बोला जाए, तो महात्मा गांधी कैसे रिवल्स थे, तो ग्रेट मास्टर ऑफ सेल्स, यानी कहा जाए तो ऑप्शन सी इज राइट। एंड ग्रेट मास्टर ऑफ सेल्स मतलब जो मैं इसका एक्सप्रेशन वीडियो में बनाया हूँ, तो उसमें बिल्कुल मैं बताया हूँ, उस वीडियो को भी विद्यार्थी आप दोस्तों मेरे देखे जरूर। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट डॉट डॉट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जो है भारत की कैसी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, यहाँ टॉक्स होगा विद्यार्थी, आप लोग इस ऐड कर लीजिएगा। तो साउंड फाउंडेशन, और साउंड फाउंडेशन का मीनिंग आप लोग स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, तब मैं आपका क्या कहूँ, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन जबरदस्त ढंग से किया गया है, उसकी से वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। आई बिलीव डैट सिविलाइजेशन हैज डॉट 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 इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता जो है वह संसार में कहीं भी परास्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा
आपका इन्वॉल्व। ये हमारी सभ्यता जो है विकसित तो पूरे संसार में है लेकिन कहीं भी बीटेन नहीं की गई प्राप्त। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नथिंग कैन इक्वल द डॉट डॉट एस नो बाय आवर एंसेस्टर्स, कह रहे ना ये किसी चीज के तुल्य नहीं हो सकता। डैश जिसने बोया और एंसेस्टर, तो क्या चीज बोया था एंसेस्टरों ने हमारी, तो उन्होंने सीड्स को बोया था। सीड्स क्या थी, तो हमारी क्या कह सकते हैं आवर ओन सिविलाइजेशन, हमारे एशियन सिविलाइजेशन का जो उन्होंने बीज बोया था। उसके अलावा इस संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है। बट 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ अदर अ साउंड एट डॉट डॉट। तो देखिए विद्यार्थी, मैंने बताया था कि साउंड का रिलेशन फाउंडेशन से है और ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ डॉट। ये जो आप यूरोप के जो व्यक्तियों के बारे में कहा जाए, लोगों के बारे में कहा जाए, तो कहाँ से सीखे थे, कैसे राइटिंग किससे सीखे थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक एंड और रोम। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ दिस ऑल इंडिया रिमेंस डॉट एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सबके बीच में भारत की वो क्या चीज थी, कौन सी गरिमा थी, जो का कहा जाए मतलब कैसी गरिमा रही, तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत की जो गरिमा कहा जाए, सभ्यता कहा जाए, वो सारे के सारे इमोबल थी। इमोबल मतलब स्थिर थी, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई मतलब चेंजिंग नहीं हुआ, इमोबल थी। इट इज चार्ज इगेंस द इंडिया डैट हर पीपल आर शो डैश। अंग्रेजों ने भारत पे अक्सर चार्ज किया, मतलब आरोप, दोष आरोप किया है। क्या आरोप किया है कि भारतीय जो होते हैं ना अनसिविलाइज्ड होते हैं। इसके अलावा कहा गया इग्नोरेंट होते हैं। इसके बाद कहा गया असोलिड। इसमें सारा का सारा ऑप्शन सही है। उन्होंने जितने भारत के बारे में बुराई किया कि भारत के लोग असभ्य होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, क्योंकि भारत के लोग जो कोई बदलाव नहीं चाहता है, अपनी सभ्यता के पीछे मरता है। ये हमारी आज की घटना विद्यार्थी नहीं है, ये पहले की हमारे महात्मा गांधी के जो इस बुक में लिखे गए उसी आधार में बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बस कुछ जो लिखे हैं उसमें गांधी जी उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन डॉट एंड सी रिमेंस स्टडी। तो भारत के लिए बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स ट्रस्ट मिले थे, फिर भी इंडिया जो स्थिर रहा। सिविलाइजेशन इज डेट मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच पॉइंट ऑफ मैन ऑफ डैस। ये जो हमारी सभ्यता है वो करती क्या, क्या चीज़ कंडक्ट करती है, तो हमें शो करती है द पथ ऑफ ड्यूटी। हमारी सभ्यता जो है हमें यह चीज़ को निर्देशित करती है कि हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, फॉलो द ड्यूटी ऑफ। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर इंडियन इन फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो गुजरात में जो सिविलाइजेशन का मतलब किसके इक्विवेलेंट है, किसके समतुल्य है, तो आप जानते हो इसका राइट ऑप्शन होता है गुड कंडक्ट। वी नोटिस डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश। तो मैंने बताया भी था एक्सप्रेशन में कि मानव की जो दिमाग है एक बेचैन चिड़िया की भांति है, तो यहाँ बर्ड ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी टर्म्स। तो कहा जाए कि जो हमारे कर्तव्य का प्रदर्शन और ऑब्जर्वेंस जो है वो क्या चीज़ को मॉरलिटी करता है, मॉरलिटी यहाँ पर शो करेगा आपका कन्वर्टिव। तो बी ऑप्शन इज राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आवर एंसेस्टर देयर फॉर सेट अ लिमिट टू आवर, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वह एक लिमिट में रहा करते थे। लिमिट मैंने क्या चीज को लिमिट में रखते थे,
तो यहाँ पर हो जाएगा इंडलजेंस, अपनी भावनाओं को बहने नहीं देते थे, अपने आप को नियंत्रित करके रखते थे। आवर एंसेस्टर्स आर दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली एट डॉट 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 कंडीशंस। तो हमारे पूर्वजों का मानना था कि हमारी जो खुशियाँ हैं, खुशी है वह किस चीज़ में हमारे निर्भर करती, तो मेंटल कंडीशंस। मेंटल कंडीशन मतलब हो गया मन की जो मानसिक स्थिति है, जैसा आप सोचोगे वैसे होगा। तो हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए। इसमें टोटली समझाया गया है कि मानव की मस्तिष्क पर हमें कंट्रोलेशन रखना चाहिए, जिससे हमारी इच्छाएं, सेम कहा गया दोस्तों, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती है। जब भी आपकी इच्छाएं पूरी हो ना, कई इच्छाएं जन्म ले लेती है। तो वही बात है, हमारे पूर्वज कहते थे कि हमें मानसिक कंडीशन पर नियंत्रित रखना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आवर एंसेस्टर्स डॉट 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 ऑस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। तो हमारे पूर्वज जो थे ना, इस तरह की लाइफ को भी वो मान जाते थे, लेकिन डिसऑर्डर्ड करते थे उसको। मतलब वो उसको मना इन समझ सकते, इनकार करते थे इस के लाइफ से, क्योंकि वी दे आर मेक लेजी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ डेस्क कॉम्पिटिशन। और उस समय कहा जाए तो कॉम्पिटिशन की जहाँ तक सिस्ट एथिक आ जाए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइफ कोडिंग्स, धीरे धीरे नष्ट, जीवन को नष्ट होना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंडियाज ग्लोरी इज डेट इज इट, भारत की गरिमा जो है किसने मतलब है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की गरिमा कैसी है। तो भारत की गरिमा जो इमूवल है, मतलब इमूवल मतलब अपरिवर्तनशील है, जैसे थी पहले अभी भी स्थिर है। वी डेयर नॉट चेंज डैट, हमें किस चीज़ को बदलने की साहस नहीं करते हैं क्या। तो हमें और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम कुछ भी कर लें, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जो हमारे पूर्वजों ने कर रखा, अभी भी हम उस पर चलते हैं, करते हैं। आवर एंसेस्टर सेट लिमिट और एंजल्स बिकॉज स्ट्रेस। तो हमारे पूर्वज जो थे, हमारी भावनाओं को, इच्छाओं को इसलिए नियंत्रित करना चाहते थे, लिमिट में। मोर इट गेट्स एंड मोर इन वांट, हमारी इच्छाएं जितने इच्छाओं को पूर्ति होती है, उतना इच्छाएं बढ़ती जाती है। इसलिए वो उस पर कॉन्ट्रेक्शंस कराते थे, कंट्रोल करने की बातें करते थे। और फोर फादर्स डिड नॉट इवेंट मशीन बिकॉज डैस, हमारे जो पूर्वज पर दादा हुआ करते थे, वो मशीनों को इसलिए मतलब इसलिए नहीं करना चाहते थे, मतलब उसको इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, क्योंकि वी वुड बी मेकम ए स्लेव्स ऑफ इट। क्योंकि वो जानते थे कि यदि मशीन को बनाया जाए, ऑप्शन ए राइट होगा, तो हम उसका स्लैब्स हो जाएंगे। स्लैब्स मतलब होता है गुलाम हो जाएंगे। और आज के समय में वी आर ए लॉट्स ऑफ वर्क, वी आर थ्रू द हेल्प ऑफ मशीन्स, इट्स आवर ओन सिविलाइजेशन। वी हैव डॉट डॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। गांधी जी आपको बता दें, गांधी जी ने भी पढ़ाई अपनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है, लिटरेचर की है, और उन्होंने बहुत सारा बैरोड किया, बैरोड मतलब लिया है। और वहाँ जैसे आप लोग जानते हो, यूरोप जाकर स्टडी इन्होंने किया था। वी आर इन डेंजर ऑफ डॉट डॉट्स अवे फ्रॉम द परमानेंट गुड्स फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर्स। और हम लोग जो आज जो जी रहे हैं, तो हमारी जो आज की जो मोमेंट्री जो अपॉइंटमेंट है, वो हो जाएगा बचिंग ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्सेस डैश, हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वह किस चीज़ की सभ्यता है। तो आप लोग जानते हो, इट इज़ अ सिविलाइजेशन, इट इज़ अ सिविलाइजेशन ऑफ वर्शिप ऑफ मैटेरियल एंड ब्यूटीनेस, या मैटेरियल की वर्शिप कह सकते हैं कि मतलब भौतिकवाद है। यहाँ पर हर चीज़ जो है मैं मशीनरी चीज़ों पर डिपेंड है, मटेरियल्स पर डिपेंड है। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट्स करो, और इससे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर बिल्कुल मिल जाए। तो जो बच्चे 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारी की सारी तैयारी कर लो। फिर भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट द क्वेश्चन नंबर, आई ऑल्सो रिपीट एंड एक्सप्लेन।